Yeah, Mr. Chang. It's 7 in the morning here. No, sir, I'll mail it to you by this afternoon. Sir, sir, Didi aapke liye chhod kar gayi hai. Yeah, yes, sir. No, sir, the budget is also approved. Yeah, yeah, we've got the clearance. Right. हेलो आई कॉल यू बैक मुझे लगा आपको तो कभी सुनने की फुर्सत मिलेगी नहीं इसलिए मैंने सोचा आपके हैंडीकैम से ही बात कर लेती हूँ मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब आप मुझे देखने बरेली आए थे मुझे अभी तक ताज्जुब होता है कि मेरे सारे हाई फाई कजिन्स में से आपने मेरी जैसी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की को कैसे पसंद किया आपको याद है अपने मजाक मजाक में एक बार कह दिया था मैडम मेरे साथ बाइक पर बैठना है तो वेट लूज करना पड़ेगा उस दिन के बाद शादी तक मैं हर रोज गंगानगर ब्रिज के 6 चक्कर लगाती थी ऐसी कई बातें हैं जो आपको बताना चाहती थी पर शादी के बाद वक्त ही कहाँ था आपके पास सुनने का हनीमून के दूसरे ही दिन मुझे पता चल गया था कि चाय के बिना आपके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है उस दिन मैंने सिर्फ चाय बनाना ही नहीं आपको कंपनी देने के लिए चाय पीना भी सीख लिया शायद आपको ये पता नहीं होगा लेकिन उस दिन से पहले मैंने कभी चाय का एक घूंट भी नहीं पिया था उस दिन के बाद आप लैपटॉप में टाइप करते रहे और मैं उसके साथ में चाय के कप रखती रही आपको पता भी नहीं चलता था लेकिन कई बार चाय ठंडी पड़ जाती थी और मैं फिर से चाय बना कर लाती थी दिन ब दिन मुझे महसूस होने लगा है कि चाय के साथ हमारे रिश्ते की गर्माहट भी कम हो रही है मैं जा रही हूँ सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि चाय पत्ती किचन के बीच वाली अलमारी में रखी हुई है अब खुद ही बनाना सीख लो और अगर चाय ठंडी पड़ जाए तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेना कैसे आना हुआ तुम्हारे हाथ की बनी एक कप चाय पीनी थी वक्त की बर्फ में जमे पड़े ये रिश्तों को पिघला धीमी आंच की धूप में सेको झपकी गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ झपकी गर्माहट से तुम रिश्तों को नहलाओ पानी डाल के खूब झिझोड़ो सोए से सैलाब को तुम चम्मच डाल घुमेड़ो जमे हुए लम्हों की मिश्री चूर चूर कर घोलो हौले हौले रिश्तों को बस चुटकी भर उबालो बीते कल की भाप चटक के रिश्तों को नहलाओ झपकी गर्माहट भर के प्यालों से नहलाओ झपकी गर्माहट से तुम रिश्तों को एक कप और उधर मेरे हाथ की बनी वाघ बकरी चाहे रिश्तों में गर्माहट लाए हमेशा रिश्ते बनाए